हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नाउन के बारे में। मैं नाउन के दो पार्ट करा चुका हूं। मैंने दूसरे पार्ट में आपको अनकाउंटेबल नाउन के रूल्स बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर वहां पर देख लेना। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन और कुछ रूल्स जो नाउन के हैं। मोस्टली हम इसमें कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो मेरी वीडियो है नाउन या इंग्लिश ग्रामर की, वो किसी भी एक पार्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। ये सारे एग्जाम को देख कर ही बनाई गई है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं खुद तो सागर एंड आप देख अपना चैनल वी आर रॉक। ये अपना रूल नंबर सेकंड है। पहला मेरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऐसे नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम फॉर्म होते हैं, उनमें प्लूरल बनाने के लिए किसी भी चीज का चेंज नहीं किया जाता है। जस्ट लाइक शीप, शीप को हम सिंगुलर फॉर्म में भी शीप बोलेंगे और प्लूरल फॉर्म में भी हम इसको शीप बोलेंगे। डियर, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, फिश, ऑफस्प्रिंग, क्रू, इवनिंग, सीरीज, न्यूज, हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट, इन सबका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म सेम रहता है, हमेशा याद रखिएगा। इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन इनमें चेंजेस नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं फिशेस, और फिश में क्या है, ये फिशेस जो लिखा हुआ है फिश का प्लूरल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिश का प्लूरल केवल फिश ही होता है। यहाँ पर फिशेस का मतलब है कि बहुत तरह की फिश, मतलब कि डॉल्फिन, स्टार फिश और जितने भी तरह की फिश होती है उन सबको अगर एक ही साथ इकट्ठा कर दिया जाता है तो उनको बोलते हैं हम फिशेस। लेकिन अगर हम मैं बोलूं कि वहां पर बहुत सारी पांच छह फिश हैं, केवल स्टार फिश ही पांच छह फिश वहां पर, तो हम वहां पर केवल फिश का प्रयोग करेंगे, ना कि फिशेस का। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। इसमें जो हेडक्वार्टर लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हेडक्वार्टर के साथ एस का प्रयोग किया जाता है और यही सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है। यहाँ पर देखेंगे कि आप इसके साथ इज का यूज किया गया है, वो क्या है, वो एक सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू सी दिस ऑफस्प्रिंग यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ है वो एस के साथ लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हम ऑफस्प्रिंग लिखते हैं तो उसके साथ कभी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल ऑफ स्प्रिंग होता है। नेक्स्ट इज हिज व्हेयरअबाउट्स इज आर नॉट नोन। ये दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर व्हेयरअबाउट के साथ हम दोनों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। यहाँ पर जो शीप लिखा हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उसके साथ आर का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर टू के साथ फिश का प्रयोग किया गया है, देखिए, ना कि फिशेस का, क्योंकि इस पॉन्ड के अंदर जो दो फिश हैं वो एक ही स्पेसिस की हैं, मतलब कि एक ही तरह की हैं, इसलिए यहाँ पर हमने फिश का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम के अंदर बहुत तरह की फिशेस हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर जो फिश हैं वो बहुत सारी हैं लेकिन अलग अलग तरह की हैं, एक तरह की फिश नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर फिशेस का प्रयोग किया है। आप आई होप आप दोनों का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से बता दीजिएगा, मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उसको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज ए सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड। यहाँ पर देखेंगे कि सीरीज जो है वो यहाँ पर सिंगुलर यूज किया गया है। आप इसके साथ एस लग रहा है तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। वैसे इसके साथ अगर आर लगा देते तो, लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर टू लिखा होता तो यहाँ पर हम आर लिख देते, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना ये सीरीज है जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में सेम रहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसमें सिमोन्स। सिमोन्स देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि सिमोन्स को ही प्लूरल समझ लेते हैं और आंसर नो इरेटिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जो सिमोन्स लिखा हुआ है वो एक सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म बनता है उसके आगे ईएस लगाने से। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं इस पे। देखिए एग्जांपल में, टू सिमोन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न अप येट। इसमें जो सिमोन्स लिखा हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर टू लगा हुआ है और हमको यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में चाहिए,
तो हम यहाँ पर सिमोंस की जगह पर सिमोंसेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मीन्स। मीन्स क्या है कि जब भी हम मीन्स को किसी भी वे या मेथड के लिए यूज करते हैं तो वो सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जब हम मीन्स को वेल्स के रूप में यूज करेंगे तो हम उसको हमेशा प्लूरल ही कंसिडर करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। ही सक्सेस बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। इसमें दिस मीन्स सिंगुलर है और यहाँ पर दिस मीन्स इज प्लूरल है, ये दोनों ही करेक्ट है, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर बेस या मेथड के लिए यूज किया गया है। अब सेकंड एग्जांपल इज हिज मींस आर स्मॉल बट ही हैज इनक्योर्ड नो डेट। यहाँ पर जो मींस लिखा हुआ है वो एक बेल्ट के लिए आया है, इसलिए हमने यहाँ पर आर वर्ड का यूज किया है जो कि एक रूल है कि उसका जो बेल्ट है वो बहुत कम है, लेकिन जब भी उसने किसी भी तरह का कर्ज नहीं लिया हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंक्रीट नाउन के बारे में, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो कंक्रीट नाउन क्या होते हैं कि ऐसा कोई पीपल या प्लेस या कोई चीज जिसको हम फाइव सेंस के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसी को हम कंक्रीट नाउन बोलते हैं। फाइव सेंस कौन कौन से हैं? टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल। आप देखेंगे कि कंक्रीट नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल कब मानना है, जब हम उसको सेपरेट या फिर इंडिविजुअल कंसिडर करें। जब हम बहुत सारे में से किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बताएंगे तो हम उसको काउंटेबल कंसिडर करेंगे, लेकिन जब हम अनकाउंटेबल कब कंसिडर करना है, जब हम उसको एक मटेरियल या फिर सब्सटेंस के रूप में देखेंगे तो हम उस चीज को अनकाउंटेबल कंसिडर करना है। अब इसको आप अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एग्जाम्पल नंबर वन इज दे हैज ए नाइस कार्पेट इन द लिविंग रूम। इसमें आप देखेंगे कि जो कार्पेट यूज किया गया है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्यों है? क्योंकि जो कार्पेट है यहाँ पर स्पेसिफिक है जो कि एक लिविंग रूम के अंदर था या फिर है, उस केवल कार्पेट की बात की गई है, यहाँ पर सारे कार्पेट की बात नहीं की गई। सेकेंड एग्जाम्पल इज बी बोर 10 स्क्वायर ऑफ कार्पेट। यहाँ पर जो कार्पेट का यूज किया गया है वो एक अनकाउंटेबल के रूप में किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किस कार्पेट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज डी प्रोटेस्ट द ट्रू स्टोन्स एट द प्लेस। यहाँ पर जो स्टोन्स का यूज किया गया है वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो स्टोन है वो एक के बाद एक फेंका जा रहा है और यहाँ पर एक भी मेटेरियल की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर स्टोन को ऐसे मेटेरियल कंसिडर नहीं किया जा रहा, यहाँ पर एक उसको केवल फेंकने के रूप में कंसिडर किया जा रहा है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्टोन को फेंकने की बात करेंगे तो हमेशा ही हम उसको प्लूरल के फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कई लोगों ने नहीं बताया कि स्टोन प्लूरल फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दी स्टेटर मेड ऑफ स्टोन। मतलब कि जो स्टेटू है वो एक स्टोन से बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो स्टोन है वो ऐसे मेटेरियल कंसिडर किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर उसको अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। जब भी हम पीपल की, बहुत सारे पीपल की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्राउड का यूज करेंगे। जब हम एंग्री पीपल की बात करेंगे तो उसके लिए हम मॉब का यूज करेंगे। जब हम बर्ड्स की बात करेंगे तो उसके लिए फ्लाइट ऑफ का यूज करेंगे। जब हम डॉग्स की बात करेंगे तो उसके लिए पैक ऑफ का यूज करेंगे। एंड जब ऐसे ही हम हेयर की बात करेंगे तो उसके लिए लॉक ऑफ का यूज करेंगे। जब हम चीज की बात करेंगे तो उसके लिए गैंग ऑफ का यूज करेंगे। जब हम फ्लावर की बात करेंगे तो हम वैक्यूट का यूज करेंगे। जब हम ग्रेप्स की बात करेंगे तो हम बंच का यूज करेंगे। जब हम लॉयंस की बात करेंगे तो हम ब्रेड का यूज करेंगे। और हम ब्रेड की बात करेंगे तो हम लोफ का यूज करेंगे। इन सबको याद रखिएगा कि घुमा मत दीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि दी साउंड ऑफ गन शॉट स्कैटर दी हर्ट्स ऑफ बर्ड्स। इसमें क्या गलती है कि जो बर्ड के लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? हर्ट। लेकिन हम बर्ड के लिए हर्ट का यूज तो नहीं करते हैं, बर्ड के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लाइट का। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर फ्लाइट आना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए पैक ऑफ डॉग्स अटैक दी चाइल्ड। यहाँ पर जो डॉग है उसके लिए पैक का यूज किया गया है, जैसा कि यहाँ पर पैक ऑफ डॉग्स लिखा हुआ है, मतलब ये सही है। अब जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको हम जनरली कंसिडर सिंगुलर कंसिडर करते हैं और उसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन डिसएग्रीमेंट मतलब कि लड़ाई झगड़ा शो करते हैं तो उसको हम प्लूरल कंसिडर करेंगे और उसके साथ ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एक और चीज देखिए, जब हम कलेक्टिव नाउन को ऐसे इंडिविजुअल मेंबर के यूज में कंसिडर करेंगे, उसको ऐसे ग्रुप नहीं लेते हैं,
तो उसको हम इंडिविजुअल एक्शन के रूप में लेकर हम प्लूरल वर्ब में यूज करेंगे। अगर आपको अच्छे से अभी समझ नहीं आया तो हम अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो कुछ वर्ड हैं कम्युनिटी, ज्यूरी, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, टीम, स्टाफ, पीपल, इन सब के साथ एक चीज लागू होगी तो आप मोस्टली एग्जाम में ये सब वर्ड का यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ जिसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, द कम्युनिटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू। यहाँ पर अनएनिमस का मतलब है सहमत होना या फिर एकता होना। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो एकता दिखा रही है किसी इशू पर। तो यहाँ पर किसी चीज की बात की गई है, ग्रुप की बात की गई है, तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ऐसे ग्रुप की बात करेंगे तो सिंगुलर और इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे तो हम उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल सेकंड में देखिए, दी कम्युनिटी आर डिवाइडेड इन देयर व्यूज। यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो अपने व्यू में डिवाइड हो चुकी है, तो यहाँ पर सबको इंडिविजुअल कंसीडर किया गया है, इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं कि हर फैमिली हैज स्प्रेड एवरीवेयर इन इंडिया। तो उसकी फैमिली है इंडिया में सब जगह स्प्रेड है, मतलब कि फैली हुई है। यहाँ पर सबको इंडिविजुअल कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज किया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दी टीम इज एट दी टॉप ऑफ टॉप इन दिस कंपटीशन। जो टीम है वो कंपटीशन में टॉप है, मतलब कि यहाँ पर पूरी टीम की बात की गई है, वहां पर हर एक मेंबर की बात नहीं की गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया है वो एक सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में है दी टीम आर ऑन द फील्ड। तो टीम है वो फील्ड पर है, मतलब कि हर व्यक्ति की पर्सन जो फील्ड के अंदर वो अलग अलग होती है, इसलिए हमने यहाँ पर जो टीम है उसको एक प्लूरल नाउन की तरह कंसिडर करा है, इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ नाउन है कलेक्टिव नाउन जिनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है उसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, कभी भी हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इन सबके साथ ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ड है कैटल, जेंट्री, पीसेंट्री, पोल्ट्री, प्यूपल, मेजोरिटी, फॉल्क एंड पुलिस, इन सबके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, मतलब कि ये कि सब वर्ड हैं उनको हम हमेशा ही प्लूरल कंसीडर करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। मेजोरिटी के साथ यहाँ पर हमने आर का प्रयोग कर दिया, प्लूरल वर्ब आ गई। दी इन्फेंट्री आर कमिंग, इसमें भी प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया, ये हमने प्लूरल कंसीडर किया है। दी पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। अब यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पर बात दे देते हैं और पूछ लेते हैं बताइए अब इधर क्या है, तो हमको यहाँ पर बात का यूज नहीं करना है, हमको यहाँ पर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दी पुलिस आर लुकिंग इन टू द मैटर। इस एग्जाम्पल में हमने जो पुलिस है उसको एक प्लूरल नाउन की तरह कंसिडर किया है, इसलिए हमने यहाँ पर आर को यूज किया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। याद रखिएगा कि इन सब के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इसी के साथ ही अपना कलेक्टिव नाउन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ऐसी अभी कुछ रूल और बाकी हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।